हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने मंगाया था ये लिबास का अनारकली कुर्ता सेट है, तो आप लोग अगर वीडियो चाहेंगे तो बना लूंगी। मैं आज करने वाली हूँ, आप लोग देख गए होंगे कि आज मैं एक सिंदूर का रिव्यू करने वाली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए करने वाली हूँ। और ये है शहनाज हुसैन का सिंदूर है, इसमें रेड और मैरून आपको मिल जाएंगे। अमेजोन से मैं मंगाती हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने बहुत, जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा लिक्विड लगाना पसंद करते हैं, मैं तो पसंद करती हूँ लिक्विड लगाना। तो और जो पाउडर में सिंदूर अगर होते हैं वो अगर सही है तो मैं जो भी इसका लेके आई हूँ पाउडर में तो मैं लगा लेती हूँ तो सही रहता है, नहीं तो सर चढ़ जाता है। तो लिक्विड में मैंने कलर बार का भी देखा है और जो भी एस का भी है और कलर बार जो भी एस, ये सब है सिंदूर। आप ये हल्का सा ड्राई हो जाते हैं, जैसे पपड़ी जैसे नहीं पड़ने लगते हैं वैसे ही। कलर बार का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, एकदम से मोटा सा लेयर हो जाता है, पपड़ी जैसा पड़ने लगता है, अजीब सा। और थोड़ा बहुत लोटस का सही है और लैक्मे का भी सही था, फिर भी उसमें भी लॉन्ग लास्टिंग कम था, पर फार्मूला चेंज कर दिया गया, वो भी मैंने लिया है तो वो भी ऐसा ही हो जाता है मोटा सा। बट ये सिंदूर मैंने ट्राई किया ना, ट्रस्ट मी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा है ये सिंदूर, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर ऊपर से भी अगर नहीं लगा हुआ, ऊपर से भी आप लोग अप्लाई कर लेते हो ना, तो ये पपड़ी जैसा पड़ता ही नहीं है। आपको लगेगा कि जैसे इसका ब्रश जो है, ये है 135 का, 9 ml आपको मिल जाता है। और मैं रेड ही लेती हूँ, मैरून नहीं, तो जिन्हें मैरून पसंद है वो मैरून ले सकते हैं। तो ये ऐसे है, बहुत ही टच में बहुत ही अच्छा सिंदूर है। जिन्हें मतलब कि लिक्विड नहीं पसंद आता तो उन्हें पसंद आने लगेगा। तो कुछ ऐसा है, गोल्डन सी पैकेजिंग है और यहाँ सारा MRP वगैरह दिया हुआ है। तो ये रेड कलर है और इसका मैं लगा कर तो नहीं दिखाऊंगी कि मैं ऑन कैमरा कभी भी सिंदूर नहीं लगाती हूँ, तो मैं नहीं लगाती हूँ कभी, क्योंकि हम लोग का सिंदूर अगर जब शादी हुई थी सिंदूर भी ढक के लगाते हैं शादी में, मैं तो कभी नहीं लगाती हूँ कैमरा पे। तो हैंड स्वाच में, हैंड पे दिखा दूंगी आपको। तो इसका ब्रश बहुत अच्छा, अच्छे से आप ऐसे 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 डैप करके लगाएंगे ना, एकदम से ये देखिए लॉन्ग लास्टिंग है और बिल्कुल भी लेयर अप नहीं लगेगा आपको कि पपड़ी हो गई मोटा सा और लग रहा है कि आपने कुछ लगाया हो और हेयर को कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफी अच्छा रेड कलर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा हैवी फील लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगा के रखा हुआ है। एक बार लेकर जरूर देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा सिंदूर है। वैसे शहनाज जी के तो सभी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। मैंने उतना यूज नहीं किया बट मैंने सिंदूर मंगाया तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद मैंने, मैं इतनी मेला लेके गई थी बेबू को, इतना थकी थकी सी हो गई हूँ कि पूछिए मत। और फिर मैं तो, बहुत लोग आ जाएंगे नींद में हो ये हो वो करने, तो अभी सूखा नहीं है तो ये काफी लॉन्ग लास्ट करता है। काफी अच्छा सिंदूर है, गुड, बहुत अच्छा है ना, लगेगा ना आप कि हेयर में चिपक रहा है ऐसा है या ये ड्राई कर रहा है, सब कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यारा सिंदूर है। फ्रेंड्स, ये था इसके विषय में रिव्यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।